Welcome everyone. Subscribe to Rachendra Mundra's classes and press the bell icon to stay updated. Thank you. दोस्तों, जब भी हम लैपटॉप को बाय करने जाते हैं तो दो बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ हम देखते हैं। सबसे पहला देखते हैं कि उस लैपटॉप में आपको प्रोसेसर कैसा मिलने वाला है, और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग देखते हैं कि उस लैपटॉप की स्टोरेज कैपेसिटी कैसी है। बट जब भी आप लैपटॉप को बाय करने जाते हो तो स्टोरेज कैपेसिटी को लेकर के कुछ डाउट हमेशा आपके मन में रहते हैं, बिकॉज अभी मार्केट में आपको तीन ऑप्शन दिखते हैं। एक होता है HDD, एक आपको दिखता है SSD, और कहीं आपको लिखा दिखता है SSHD। तो इन एक्चुअली इनमें क्या डिफरेंस है, मैं आज इस वीडियो में आपको उसी के बारे में बताऊंगा। हे हाय एवरीबॉडी, आई एम सी रचेंद्र मुंदड़ा एंड यू आर वॉचिंग आर सीरीज टेक टिप्स ट्यूजडेज। सो लेट अस स्टार्ट। जैसा कि मैंने बताया, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि व्हाट इज एग्जैक्टली द डिफरेंस बिटवीन HDD, SSD एंड SSHD। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो HDD है, जो कि कॉमनली आपको एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर सा ऑप्शन लैपटॉप्स में दिखाई देता है, तो HDD का फुल फॉर्म है हार्ड डिस्क ड्राइव, जो कुछ इस हिसाब से आपको उसकी इमेज अभी स्क्रीन पे फ्लैश हो रही होगी, ये कुछ इस हिसाब से आपको दिखाई देती है। तो ये एक मैकेनिकल सी ड्राइव है जिसमें डिस्क के प्लैटर लगे होते हैं और एक मूविंग का रीड राइट का हैंड होता है जो डेटा को आपके वहाँ पे कॉपी करता है, और जब आपको उसको रिट्रीव करना है तो यही रीड राइट हैंड जो होता है वो उस डेटा को रिट्रीव करके आपको देता है। ये जो HDD है, ये फर्स्ट टाइम कंप्यूटर्स में इस्तेमाल किया था IBM ने इन द ईयर 1956। तो एक्चुअली ये काफ़ी पुरानी सी टेक्नोलॉजी है बट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो चलिए हम लोग बात करेंगे कुछ इसके एडवांटेजेस की और कुछ डिसएडवांटेजेस की। उससे आप जो है वो एग्जैक्टली डिसीजन ले पाओगे कि क्या आपको HDD वाला ऑप्शन लेना है या SSD या SSHD, जो मैं आगे बताऊंगा वीडियो में, उसका आपको डिसीजन लेना है। तो चलिए कुछ बात करेंगे पहले पॉजिटिव पॉइंट्स की। क्योंकि ये एक पुरानी सी टेक्नोलॉजी है तो ये मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल है, बहुत लार्ज कैपेसिटी में और कम प्राइसेस पे ये आपको अवेलेबल है। तो इजीली अवेलेबल है, सस्ती है काफ़ी, और लार्ज कैपेसिटी में आपको मार्केट में इसके ऑप्शन बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस की। क्योंकि एक मैकेनिकल सी ड्राइव है, इसमें मूविंग पार्ट्स होते हैं, तो समय के साथ जो है ये पार्ट्स खराब भी हो सकते हैं और इसका जो स्पीड ऑफ ऑपरेशन है वो धीरे धीरे करके डिग्रेड हो जाता है। बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर आप कोई नया स्मार्टफोन भी लेते हो तो एक दो साल के बाद वो फ़ोन का परफॉर्मेंस जो है वो डिग्रेड हो ही जाता है। तो ये तो हम लोग बात करें एक हार्ड ड्राइव की, और एक नॉर्मल जो लैपटॉप आप लेते हो वो 3 से 4 साल तो आप इस्तेमाल करते ही हो, तो ये जो मूविंग पार्ट्स उस ड्राइव में होते हैं वो कभी ना कभी ख़राब तो होने ही है। और एक इसका जो डिसएडवांटेजेस वो ये है कि अगर इस ड्राइव को ये अगर आपके हाथ से नीचे गिर जाती है तो ये जो मूविंग पार्ट्स है ये टूट सकते हैं या ख़राब भी हो सकते हैं, तो आपकी जो ड्राइव है वो करप्ट भी हो सकती है। तो ये था HDD के बारे में इंफॉर्मेशन। अब बात करेंगे SSD। ये भी एक बहुत ही पॉपुलर ऑप्शन अभी आपको मार्केट में देखने को रिसेंट टाइम्स में आपको मिल रहा होगा। SSD का फुल फॉर्म है सॉलिड स्टेट ड्राइव। आपने पेन ड्राइव तो यूज़ कर रखा होगा, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि पेन ड्राइव में कोई मूविंग पार्ट्स है? जी बिल्कुल नहीं। पेन ड्राइव ये फ्लैश मेमोरी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, और इसका नाम देखिए सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD, तो ये भी एक बहुत बड़ी फ्लैश बेस्ड मेमोरी है। इसमें कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं है, जैसे कि हमने देखा कि HDD में मूविंग पार्ट्स थे, बट SSD में कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं है। तो क्योंकि कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं है तो इसका जो स्पीड है, डेटा स्टोरेज का स्पीड और डेटा रिट्रीवल का स्पीड, ये HDD से कई गुना ज़्यादा है। तो आज के टाइम में जो लैपटॉप्स में आपको स्टोरेज का जो कैपेसिटी का जो ऑप्शन मिलता है, उसमें अगर सबसे फास्टेस्ट कोई ऑप्शन आपको मिलेगा तो वो है SSD। तो बेसिकली क्या होता है कि इससे आप जब कंप्यूटर को ऑन करते हो, लैपटॉप को आप ऑन करते हो, तो विद इन 10 to 15 seconds आपका जो विंडोज़ है वो बूट होकर आपके सामने आ जाएगा, उतनी ही जल्दी ये शटडाउन भी हो जाएगा। और जो एप्लीकेशंस को आप रैम पे लोड करते हो उसकी स्पीड भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी और एक बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको मिलेगा अगर आप SSD को इस्तेमाल करोगे। अभी तक जो दुनिया की सबसे बड़ी SSD मार्केट में अवेलेबल है वो एक US के सॉफ्टवेयर कंपनी ने बनाई है। उस सॉफ्टवेयर कंपनी का नाम है निम्बस डेटा, और उन्होंने अभी तक 30 TB
कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट कैपेसिटी वाली हार्ड SSD को बनाया है। अब इस ड्राइव का एक्चुअली एक ही डिसएडवांटेज है कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, और अगर मैं लैपटॉप के व्यू पॉइंट से बात करूँ तो अभी मार्केट में सिर्फ तीन ऑप्शन अवेलेबल है, दैट इज़ 64 GB SSD, 128 GB SSD एंड 256 GB SSD। अगर आप एक नॉर्मल होम यूज़र हो या फिर आप एक ऑफिस यूज़र हो और आपका बहुत ज़्यादा जो डेटा है वो आप फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं करते हो, तो आपके लिए 128 SSD इज़ अ वेरी आइडियल ऑप्शन, राइट। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लैपटॉप के परफॉर्मेंस को अपग्रेड करने के लिए। तो ये था इन्फॉर्मेशन SSD के रिलेटेड। अब बात करेंगे SSHD, ये भी एक थर्ड ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल है। इसका फुल फॉर्म है सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव। तो जैसा कि ये नाम सजेस्ट कर रहा है, ये दोनों ड्राइव का कॉम्बिनेशन है। ये एक हार्ड, ये एक HDDB है और ये एक SSDB है। दोनों के फीचर को मिला करके एक हाइब्रिड कॉम्बिनेशन क्रिएट किया गया है जिसका नाम है SSHD, सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव। तो अब इसमें कैसा होता है, मतलब अगर आप एक SSHD को ले आओगे तो उसमें मूविंग पार्ट्स भी होंगे जो HDD का फीचर है, और उसमें एक फ्लैश बेस्ड मेमोरी भी होगी जो SSD का पार्ट है। तो बेसिकली जो SSD का पार्ट है वो नॉर्मली 8 GB से 16 GB के बीच में होता है, मतलब जो भी ऑप्शन आप चूज़ करो उसके हिसाब से। बड़ी कैपेसिटी की SSHD होगी तो उसमें 16 GB SSD होगा, और जो रिमेनिंग है वो आपका हार्ड ड्राइव होगा, मतलब HDD वाला। और अगर आप छोटी कैपेसिटी का SSHD लेके आते हो तो उसमें 8 GB का आपका SSD होगा और बाकी का जो पार्ट है वो आपका हार्ड ड्राइव होगा। अब बोलोगे बट ये बेसिकली इस हाइब्रिड ऑप्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो ये जो इसमें जो HDD वाला फीचर है, जो मूविंग पार्ट्स वाला जो फीचर है, उसमें वो फाइल्स स्टोर की जाती है जो नॉर्मली आप इस्तेमाल रोज़ाना अपने लैपटॉप को इस्तेमाल करते हुए नहीं करते। तो ये जो फ्लैश बेस्ड मेमोरी है इसमें अपना एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है, हम उसको फर्मवेयर कहते हैं। उस फ्लैश मेमोरी का फर्मवेयर डिसाइड करता है कि जो आपकी फ्रीक्वेंटली यूज्ड, जो रोज़ाना फाइल्स इस्तेमाल करते हो लैपटॉप में, वो SSD में सेव की जाती है, और जो फाइल बहुत ज़्यादा आप इस्तेमाल नहीं करते वो हार्ड ड्राइव वाली, मतलब HDD मूविंग पार्ट्स में सेव की जाती है। तो आपको एक परफेक्ट स्मूथ परफॉर्मेंस यहाँ पे मिलता है। मतलब अगर मैं SSD की बात करूँ और HDD की बात करूँ तो दोनों के ही अपने फ़ायदे और नुकसान हैं, बट अगर मैं SSHD की बात करूँ तो वो SSD के कंपेयर में कम कॉस्टली है, बट यस स्पीड के मामले में वो HDD से कहीं ज़्यादा आगे। तो अगर आपको एक परफेक्ट मिडल ऑप्शन चाहिए तो SSHD ये आपके लिए ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल है। आई होप इस वीडियो से आपको एक परफेक्ट क्लैरिटी तो हो गई होगी कि आपको HDD चूज़ करना है या आपको SSD चूज़ करना है या आपको SSHD चूज़ करना है, बिकॉज आपकी चॉइस के हिसाब से, आपके यूज़ के हिसाब से आपको एक अच्छा सा जो है वो डिसीजन लेना है। इसी तरह चैनल पर सब्सक्राइब करने के लिए और हमेशा मुझे मोटिवेट करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लाइकिंग एंड कीप शेयरिंग।